छूते जीते आवे मैं के हारिया इश्क तेरे विच सोने पागल हो गई हो रही क्यों अपना रिलेशनशिप खराब कर रही हो जो चीज पहले से ही खराब हो उसे इंसान खराब कैसे कर सकता है और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं कि मैं दोबारा कटघरे में खड़ी हो जाऊं आखिर मसला क्या है हरी अच्छी खासी लड़की है और अब तुम्हें खामियां नजर आने लगी हैं कोई एक खामी हो तो बताओ ना आपको खाला दिन रात मुझे धोखा दे रही है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती वो अयान को पसंद करती है बेटी दुखों के पहाड़ के नीचे दबी रही और मैं समझता रहा कि मोहित तुम्हारा ख्याल रख रहा है देख लूंगा मैं इस मोहित के बच्चे को भी वो मैंने मोहित को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे मेरी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा माहिया मैं तेरे ना आपकी बेटी जो हरकतें करती फिर रही है कोई भी आदमी एक लफ्ज मत कहिएगा लगता है हरीम ने आपको सारी बातें बताई नहीं है मुझे इसने सब कुछ बता दिया है और अब मेरे पास सिवाय आपके बेटे की अकल पर मातम करने की और कुछ नहीं बचा और वो मैंने आज से शुरू कर दिया बेहतर होता अंकल अगर आप मेरी बात भी सुन लेते शट अप तुमने मेरी बेटी की बात सुनी जो मैं तुम्हारे लेम एक्सक्यूज़ सुनूं इससे पहले कि मैं अपना टेंपर लूज कर जाऊं आप लोग यहां से तशरीफ ले जाएं। जाए यहां से चलो बेटा और राबिया बेगम तुम भी कान खोलकर सुन लो अगर आइंदा मुझे आपका भांजा इस घर में नजर आया तो उसके साथ साथ आपको भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से रुख्सत कर दूंगा आओ बेटा Alina? Hey! Alina, right? Yeah. How's you? I'm good. जल्दी में हो? हाँ, मैं जल्दी में हूँ. Come on, I mean, इतनी भी क्या जल्दी? दो मिनट भी नहीं मेरे लिए? देखो, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो. मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ. हरीम कैसी है? Excuse me, Ayan. तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसका नाम भी अब अपनी जबान पढ़ लो तुम वैसे ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो अब भी कोई कमी रह गई है जो तुम अपने दिल की आँख ठंडी करने आ गए हो वो वैसे भी तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगत रही है खुदा का वास्ता उसका पीछा छोड़ दो पता नहीं तुम्हें समझ नहीं आता कुछ और तुम्हें बात बताऊँ यार वो जितनी मोहब्बत तुमसे करती थी ना अब उससे ज़्यादा ही नफरत करती है सब उसका पीछा छोड़ दो और पता नहीं मैं भी किस फजूल इंसान से बहस कर रही हूँ अगर और कुछ रह गया कहने को तो कहो नहीं नहीं थैंक यू मोहित का कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि उसने हरीन से शादी कर ली उसने बहुत सोच समझ के फैसला किया था मैमुना बेगम बहरहाल उसे मुस्तफा भाई के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी
और वो जो मेरे सामने मेरे ही बेटे को खरी खरी सुना रहे थे वो क्या था? तो क्या हो गया? वो मोहित के बाप की जगह है, उनका हक बनता है। तो ठीक है, आप जाके एक माफीनामा लिखकर दे आए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब मोहित हरीम को अपने साथ नहीं रखेगा। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हैं आप? अरे इंसान को थोड़ा तहमुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। सच कहते हैं सियाने, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जब उसकी माँ ने घर नहीं बसाया तो वो खाक बसाएगी। गलत बात कर रही हैं आप मेमुना बेगम। आपको कोई इस तरह अपने घर से निकालता ना तो फिर मैं देखती उन्होंने एक बात नहीं सुनी मोहित की। आपने सुनी थी हरीम की? अरे वो कहती तो मैं क्यों ना सुनती। तो वो भी मुस्तफा भाई से जाके बात करता, जो जो प्रॉब्लम्स थी उसे हरीम के साथ वो बताता, तो क्या वो ना सुनते? आपसे तो बात करना ही बेकार है। देखिए मेमुना बेगम, आपको हरीम की बात सुने बगैर उसे गलत नहीं कहना चाहिए, बस इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ मैं आपसे। अरे रहने दें आप, दिमाग खराब करके रख दिया बाप बेटी ने, ऊपर से राबिया बेगम के मिजाज नहीं मिल रहे। अरे उसकी सगी औलाद होती तो मेरा तो ख्याल है कि वो मोहित को गोली मार देती। बहरहाल आप कुछ भी कहें, मुझे राबिया कहीं से भी गलत नहीं लग रही। हाँ वो आपको क्यों गलत लगेगी, इस घर में तो सिर्फ दो ही लोग गलत हैं, एक मैं और एक मेरा बेटा। माफ कर दें आप। आज तो तुम मेरे घर आ गए, आइंदा आने से पहले 1000 मरतबा सोच। तुम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जैसे घटिया ज़हनियत वाले कमज़ोर लोग दूसरों की बात जरा कम ही समझते हैं। तो आपके बेटे को यह हक पहुंचता कि मुस्तफा खान की बेटी को जब चाहे चौराहे में खड़े करके उसकी इंसल्ट करे? क्या इसने इसे लवारिस समझ रखा है, या मैंने इसके साथ इसके निकाह की बजाय इसको बेच दिया इसके हाथ? आपके बेटे की अकल पर मातम करने की और कुछ नहीं बचा, और वो मैंने आज से शुरू कर दिया। ये सब अच्छा नहीं हुआ हरीम, अंकल ने तो अच्छी खासी सुना दी उन लोगों को। उसको अंदाजा नहीं था कि अब वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। पता नहीं मोहित के मामा ने ये सारी बातें किस तरह बर्दाश्त की होंगी। मोहित ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। कुछ भी हो हरीम, ये मामला किसी और तरीके से भी हैंडल हो सकता था। मुझे तो यकीन नहीं आता जो शख्स मुझसे मोहब्बत के दावे करता था वो मेरे खिलाफ इतने तल्ख अल्फाज कह सकता। उसका कसूर नहीं है हरीम, बदगुमानी का जहर अच्छे खासे इंसान के जहन को खराब कर देता है। ऐसी भी क्या बदगुमानी है रीना, कि इंसान अच्छे बुरे की तमीज ही भूल जाए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे बाबा ने राबिया आंटी को तो कुछ नहीं कहा ना? पता नहीं, लेकिन वो शायद यही समझे कि मैंने अब्बू को उनके खिलाफ भड़काया। तो तुम उन्हें क्लियर करो ना कि इस चीज में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जो काम तुमने किया ही नहीं उसकी जिम्मेदारी क्यों लेती हो? मैं उस कसूर की वजाहत क्यों दूं जो मैंने किया ही नहीं? हरीम, बाज दफा खूबसूरत रिश्तों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मेरी जिंदगी में अब कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं है, सिर्फ मजबूरी और समझौतों में लिपटे खोखले रिश्ते हैं जिनकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन राबिया आंटी ने तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। तो मैंने भी कभी उनका बुरा नहीं चाहा, ना कभी सोचा है। मुझे अफसोस तुम पर हो रहा है राबिया, कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी। मैंने सोचा मियां बीवी का मामला है, छोटा मोटा सा झगड़ा है, ठीक हो जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, तुम्हारा भांजा मेंटल टॉर्चर कर रहा है मेरी बेटी को, और वो तुम्हारी बहन जी और वो तुम्हारे बहनोई जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ से उसे ब्याह कर ले गए थे, वो बैठे तमाशा देखते रहे। मैं मुना अपी को दरअसल खुद असल बात का नहीं पता था, और मैंने तो कई बार हरीम से खुद भी पूछा। बस बस, अगर हरीम की जगह आपकी अपनी सगी बेटी होती तो फिर मैं देखता कि कैसे आप चुप करके बैठती हैं, किस तरह अपनी बहन और भांजे को इस घर की दहलीज पार करने देती हैं। आप शायद यकीन ना करें, मैंने हमेशा मोहित के मामले में हरीम को सपोर्ट किया है, आप ही भी कई बार खफा हुई हैं मुझसे। समझ क्या रखा उन्होंने मेरी बेटी को,
यही कोई भी शख्स आके झूठी सच्ची बात बता देगा और कानों के वो कच्चे इस बात का इतबार कर लेंगे। सख्त मायूस किया है मुझे मोहित ने। हरीम को कम से कम आपसे ये बात शेयर तो करनी चाहिए थी। क्या कहती, क्या कहती वो? के आपकी बीवी के भांजे ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है, दिन रात उठते बैठते मुझे पहली शादी के ताने देता है, शक करता है, उठते बैठते बेइज्जती करता है। मुझे मोहित से ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह अपने भांजे के करतूत छुपाओगी। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना, थोड़ा सा भी शक होता, तो मैं कभी हरीम की शादी उसके साथ ना करता। मैं मोहित की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। क्या तुम्हारी माफी मांगने से उस बिचारी की उस अजियत का मदावा हो जाएगा जो उसने अकेले रहकर उस घर में सही है? मुस्तफा, मुझे लगता है मोहित को सिर्फ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? बता दो अपने भांजे को क्या हरीम उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां उसकी इज्जत नहीं है। मेरे ऊपर मेरी बेटी की दो रोटियां भारी नहीं है। मुस्तफा प्लीज, आप मामले की नजाकत को समझें। ये मियां बीवी का मामला है, सब मिल बैठ के इसको हल कर लेंगे। सेंसिबल और अकलमंद लोग बैठकर मामले को सुलझाते हैं, बेवकूफ और नॉनसेंस लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं जो तुम्हारा भांजा करता फिर रहा है। मेरी बेटी पर शक करने से पहले वो अपने गरेबान में झांके फिर आगे मुझसे बात करे। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसीलिए पहले रोमा मेरा दिमाग खराब कर रही थी, अब अलीना ने भी वही सब बताया कि हरीम अपने घर वापस आ गई है। तो इसका मतलब हरीम और मोहित के दरमियान रंजिशें बढ़ने लगी हैं। हरीम, मैं तुम्हें दुख तो नहीं देना चाहता, मगर हमारे दोबारा मिलने के लिए यह सब होना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, इस बार हमारा मिलना हमेशा के लिए होगा। आप ये, आपको नहीं पता मुस्तफा साहब ने मेरी कितनी इंसल्ट की है। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तुम भी तो बढ़ चढ़कर हरीम की फेवर करती थी, अब तुम्हें पता चला दोनों बाप बेटी की तो मत मार गई है और कुछ नहीं। हरीम की वजह से मैंने आपको खफा किया, मोहित को खरी खरी सुनाई और मुस्तफा साहब ने मुझे ये सलाह दी है। मुझे कहते अगर तुम्हारी सगी औलाद होती तो फिर मैं पूछता। तुमने कौन सी कसर छोड़ी, उल्टा बहन और भांजे पर बरस पड़ी। मत पूछे आज मेरा कितना दिल खराब हुआ है। अपनी औलाद की मोहब्बत में अंधे हो रहे मुस्तफा भाई, इसीलिए उन्हें सही और गलत नजर ही नहीं आ रहा। सच पूछे आप ही, मोहित ने भी ज्यादती की है। अयान की बातों में आने की क्या तुक थी? ये तो किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि अयान का क्या मकसद है। तुम पर भी तो हरीम की तरफदारी करने का भूत सवार हुआ है। लगता है तुम्हें अपनी मियाँ से एक दफा इंसल्ट करवा के सुकून नहीं मिला। देखिये मैं हरीम की साइड नहीं ले रही, उस बच्ची में 100 खामियां होंगी, लेकिन हरीम ऐसी नहीं है, वो अपने शौहर को धोखा कभी नहीं दे सकती। मोहित को हरगिज गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन हाँ तुम्हें खुशफहमी जरूर हुई है कि तुम ऐसी बातें करके अपने मियां का दिल जीत लोगी। भाभी आप भी ना बाज़ दफा हद करती है, मैं कौन सा हरीम और मुस्तफा के सामने आपसे बात कर रही हूँ जो आप मुझे इस तरह के ताने दे रही है। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, हरीम ने अपना घर तो बर्बाद कर दिया, अब वो तुम्हें भी नहीं बसने देगी। अल्लाह ना करे आपी, आप क्यों ऐसी खौफनाक बातें कर रही हैं? मेरी बातें इतनी खौफनाक नहीं है जितनी तलख हकीकतें इस जमाने की हैं। उसे कहो कि होश के नाखून ले, ये दो किश्तियों का मुसाफिर ठीक नहीं होता। पता नहीं आपी आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। जो जो असला थी उसकी समझ में नहीं आई, तो उसने बरतानवी इंटेलिजेंस और अमरीकी सिफारत खाने से गालिबन इस्लामाबाद में कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने दर्द के मारे मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। हद कर दिए मुस्तफा भाई ने, अभी अभी राबी से मेरी फोन पे बात हुई है। क्या हो गया? जीना हराम करके रख दिया उस बिचारी का, उसे सौतेली होने के ताने दे रहे, अंदाजा करें आप जरा।
उन्हें राबिया के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे हमने वट्टे सट्टे की शादी की हो। सख्त परेशान थी वो बिचारी, पता नहीं क्या बनेगा उसका। आपने मोहित से दोबारा बात की? वो तो शाम से अपने कमरे में लॉक लगाए बैठा है, पता नहीं कितना परेशान होगा मेरा बच्चा। मुस्तफा भाई ने भी तो खड़े खड़े उसको बेइज्जत करके घर से निकाला था ना। बहरहाल आप उससे साफ साफ बात करें और पूछें कि चाहता क्या है वो। वो तो जो चाह रहा है ना वो साफ नजर आ रहा है। मुझे तो एक और बात की टेंशन हो रही है। अब किस बात की टेंशन हो रही है? इस घर की, जो आपने मोहित की शादी में किसी से मशवरा किए बगैर बहू के नाम कर दिया। तो क्या हुआ? शुजा आप इतने मासूम बनने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको नहीं पता अगर ये मामला खराब हुआ तो करोड़ों की जायदाद हाथ से जाएगी। आप क्यों इतने आगे जाके और नेगेटिव सोच रही हैं? हैं? आपने अपनी बेटी और बहू के तेवर नहीं देखे? आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये घर हरीम के नाम करने की? अरे तो क्या मुझे पता था कि बाद में सारी ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी? फिर भी इंसान किसी से तो मशवरा करता है ना। आपने तो किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं होने दी। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। आपकी ये बातें मेरी समझ से बाहर है। मैं मोहित के कमरे में जा रही हूँ, देखूं तो सही जाके क्या टेंशन है आखिर ये। ठीक है, अच्छी तरह बात करके आइए उससे। प्लीज मॉम, इधर मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और आपको अपने घर की पड़ी हुई है। एक फैसला तुम्हारे बाप ने गलत किया और एक तुमने, अब बैठ के भुगतो। भुगत ही रहे और क्या करें। अच्छा खासा बंगला उठा के बहू के नाम कर दिया, कल कला को अगर कुछ हो गया तो। क्या मतलब है आपका, क्या हो जाएगा कल को? मुझे हरीम के बाप के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, राबी की जिंदगी अलग अजाब में डाली हुई है और हरीम को अलहदा शह दे रहे। अपने घर में वो जो मर्जी करे, हम क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ मुझे, अयान और हरीम के दरमियान वाकई कुछ था? ऐसा भी तो हो सकता ना बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई। प्लीज मॉम, कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो आप भी मुझे राबी खाला की तरह समझाना शुरू हो। अपनी आंखों से देखा है सब कुछ मैंने। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना वो महज तुम दोनों का घर खराब करना चाहता हो। अगर ऐसा ही है तो उस हरीम को अकल करनी चाहिए, वो क्यों इतनी लापरवाही का मुजाहरा कर रही है? फिर भी बेटा तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तरफ से कोई ज्यादती हो जाए और तुम्हारी राबी खाला की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। पहले आपको इस घर की और अब आपको राबी खाला की टेंशन शुरू हो गई है। कोई मेरी फीलिंग्स का भी ख्याल है आपको कि नहीं? मुझे अंदाजा है बेटा तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन कोई भी फैसला उचरत में मत करना। नहीं करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तो अजीब अजीब से वहम हो रहे हैं। अब आपके वहम का तो कोई इलाज है नहीं मेरे पास। आप प्लीज जाके रेस्ट करिए, मुझे कुछ सोचने दें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। रेस्ट? खाक में रेस्ट करूंगी? मेरा दिमाग तो राबी की तरफ लगा हुआ है, पता नहीं उस बिचारी पे क्या गुजर रही होगी। इससे तो अच्छा था कि वो शादी ना करती। मॉम राबी खाला एक सेंसिबल खातून है, वो अपनी जिंदगी का फैसला कुछ सोच समझ के करेंगी। आप उनको छोड़िए, आप अपनी फिक्र कीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्लीज जाके रेस्ट कीजिए। कहते हो तुम ठीक रहे हो बेटा, अल्लाह बस खैर वाला मामला ही रखे। सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई। बट उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने मुझसे सूप बनाने को कहा था। ला मैं ले जाती हूँ, मुझे उनसे कुछ बात भी करनी है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है। वो
बुआ बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, सर में बहुत दर्द है। आपने कोई मेडिसिन ली? मैं अबू से कहती हूँ आपको डॉक्टर के पास ले जाए। अपने बाबा का नाम ही ना लो मेरे सामने, रात से आंखें माथे पर रख कर फिर रहे हैं, यूं बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे जानते तक नहीं। आंटी मुझे माफ करते हैं, असल में सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैंने अबू को कुछ नहीं बताया, उन्होंने खुद मोहित की सारी बातें सुन ली, फिर उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैं। हरीम बेटा, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आप कहें या ना कहें, मुझे तो पता ना कि आपको बुरा लगा है, और अबू ने जो किया वो ठीक नहीं किया, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है कसूर किसी का भी नहीं है, सब हालात की गर्दिश में फंसे हुए हैं। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना, बैठो। मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान कर दिया ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। बेटियां जब ससुराल में खुश ना हो तो महकमे में आकर सब कुछ बताती है। नहीं आंटी, वो मुझे बस लगा कि सब लोग मोहित की तरह मुझे ही गलत समझेंगे। हम क्यों तुम्हें गलत समझेंगे बेटा? क्या हम तुम्हारी नेचर, तुम्हारे मिजाज से वाकिफ नहीं है? हम जानते नहीं कि तुम क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती। मैंने तो यहाँ सदियों के शनाजाई का दावा करने वालों को लम्हों में बदलते देखा। तुम बेटा मुझे सारी बात बताओ, आखिर हुआ क्या था? अब हरीम मोहित के साथ नहीं रहेगी। मोहित बेटा, तुम हरीम को खुद डिवोर्स दोगे या वो खुला के लिए कोर्ट में जाए? माहिया, मैं तेरे ना। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि अंकल मुस्तफा को अपनी बेटी का कसूर क्यों नहीं नजर आता। उन्हें यही क्यों लगता है कि सब कुछ मैं गलत कर रहा हूँ? तुम्हें भी हजार दफा समझाया था कि जरा आराम से, लेकिन तुमने कौन सा मेरी सुन ली? तूने रोमा से बात की? वो तो सख्त शर्मिंदा हो रही थी यार, अयान की चीख हरकतों पर। हरीम ने उसे क्यों बुलाया था लंच पे? हरीम ने नहीं, रोमा ने बुलाया था उसे। वो अयान की हरकतों पर एक्सक्यूज करना चाहती थी। मुझे तो लगता है रोमा झूठ बोल रही है। तुम्हें अयान अहमद के अलावा आजकल सब झूठे लगते, और वो जो एक नंबर का फसादी है, तुम्हें उसकी हर बात पर भरोसा है? दिमाग खराब हो गया, क्या करूं? आखिर तुम चाहते क्या हो? हरीम भाभी को तुमने ठीक ठाक सुना दी, अब इसे क्या कसर रह गई है? यार उसको कम से कम मुझसे एक बार एक्सक्यूज तो करना चाहिए था। ऊपर से अंकल मुस्तफा को जाके मेरे खिलाफ भड़का दिया, वो समझ रहे मैं गलत कर रहा हूं। ऊपर से घर छोड़ के चली गई है। देखो मोहित, टू बी ऑनेस्ट, अब तुम ये सॉरी माजरत एक्सक्यूज के चक्कर से निकलो, क्योंकि बात अब बहुत बढ़ चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि हरीम भाभी के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो उसका एक ही हल हो गया, डाइवोर्स। क्या बकवास कर रहा था? बकवास नहीं कर रहा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो कुछ दिल से अलहदा हो जाओ। तू चाहता मैं हरीम को डाइवोर्स दे दूं? हरगिज़ नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो यार? पता नहीं यार, लेकिन कम से कम वो नहीं चाहता जो तू कह रहा है। मर जाऊंगा, हरीम को डाइवोर्स नहीं दूंगा। जी डैड। वो बेटा, तुमने मूसा साहब को नए प्रोजेक्ट के बिल्स पहुंचा दिए? नहीं डैड, भूल गया, फाइल गाड़ी में पड़ी रह गई है, अभी देख के आता हूँ। आज ही पहुंचा देना बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी क्या हुआ? डैड के काम से कहीं जाना है यार, कल मिलते हैं। चल आजा। अच्छा तो ये सूरत हाल है, तुमसे एक बात कहूँ? बुरा ना मनाना जी। मैं मानती हूँ कि मोहित का 70% कसूर है, लेकिन कुछ कसूर तुम्हारा भी है बेटा। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। वो कैसे? तुम्हारा कसूर यह है बेटा कि जहाँ तुम्हें बोलना चाहिए था वहाँ तुम खामोश रहे, और
शायद मोहित तुम्हारी खामोशी को मिसअंडरस्टैंड कर गया, उससे ही अपने जहन में बातें बनाने लगा और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मैं उस शख्स के सामने अपनी सफाई क्यों दूँ जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा जानने का दावा करता है? बाज़ जगहों पर ऐसे करना पड़ता है बेटा, वरना बदगुमानी की धुंध हर रिश्ते को अपनी लपेट में ले लेती है और फिर कुछ भी वाजे नज़र नहीं आता। मुझे माफ़ करिएगा आंटी, लेकिन मैं अपने किरदार की गवाही नहीं दे सकती, ये मेरे लिए डूब मरने के बराबर है। और मोहित ने भी मुझे हर तरह से बद किरदार साबित करने की कोशिश की है। मैं तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करती हूँ, ये भी जानती हूँ कि मोहित ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम ये भी सोचो कि अयान ने जानबूझ के ये सब कुछ किया तुम्हें मोहित की नज़रों में गिराने के लिए। तुमने ये सोची ये बात? लेकिन मोहित को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना, तो इस बात को उल्टा। तुम इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं बस अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। कोई छोटी बात नहीं है हरी, मैं कैसे उस शख्स के साथ रह सकती हूँ जिसकी नजरों और दिल में मेरे लिए शक के सिवा कुछ नहीं है। हरी क्यों नहीं समझ रही, वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम भी जानती हो मोहित ऐसा लड़का नहीं है। तो मैं भी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा मोहित मुझे समझ रहा है। मुझे मालूम है हरीम। नहीं, आप लोग कुछ नहीं जानते, और मैं फैसला कर चुकी हूँ, और अब वो भी, और आप जानती हैं कि अब वो अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। आप आराम करें। क्या मतलब दानियाल, तुम क्यों इतने तंजिया लहजे में बात कर रहे हो? तो और क्या, इतना समझा के बुझा था मोहित को, लेकिन फिर भी हरीम नहीं माने। तो मैंने तो उसे नहीं कहा था ना कि वो बात नहीं माने। सब कसूर तुम्हारे भाई का है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। जाहिर सी बात है, वो तुम्हारी उसकी कजन है, असर तो आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है दानियाल, हमारी लाइफ में पहले टेंशन कम नहीं है, पर अगर फिर भी तुम्हें लड़ना है तो मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ। सच कड़वा ही होता है। बस कर दो दानियाल। रोमा, रोमा, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो खबीस इंसान तुम्हारी जिंदगी में कितना मैस क्रिएट कर चुका है, और तुम अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, तुम उसे जानबूझकर खराब कर रही हो। लड़कियों को इतना भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। अलीना, मैं डर डर के जिंदगी नहीं गुजार सकती, उसको जो करना है वो कर ले। तो फिर सोच लो, अयान अहमद हमेशा भूत की तरह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इतनी भी हिम्मत नहीं है उसकी। दिन में तारे तो वो दिखा चुका है तुम्हें, तुम अब भी कह रही हो कि उसमें इतनी जरूरत नहीं है। पर तुम ही बता दो मैं क्या करूं। सबसे पहले तुम अंकल का गुस्सा ठंडा करो, फिर तुम मोहित भाई को कॉल करो और उन्हें मिलने के लिए बुलाओ। ये मैं नहीं कर सकती। कभी तो तुम अयान अहमद से नफरत करने लगती हो, कभी मोहित भाई से चिढ़ने लगती हो। क्या तमाशा बना रखा है तुमने जिंदगी का? तमाशा मैंने नहीं लेना, हर किसी ने मेरा बना कर रखा हुआ। तुम खुद अपना मजाक उड़ा रही हो। क्यों अंकल फारूक से बात नहीं करती हो? बताओ उनके बेटे के करतूत उन्हें, ताकि वो उसे लगाम लगा के रखें। अबू ने कहा है कि वो मामू जान से बात करेंगे। पता नहीं कब बात करेंगे, अब किस चीज का इंतजार है? अब बात करके फायदा भी क्या है, आया ने तो जो करना था कर लिया। अब भी कहते मुझे गलतफहमी हुई है, मैं उल्लू का पट्टा हूं जो मुझे कुछ समझ नहीं आती। अच्छा अगर तू कहे तो मैं हरीबा से बात करूं? हरगिज नहीं यार दानिया, प्लीज। अच्छा फिर मुझे रोमा से बात कर लेने दे। वो क्या कर लेगी, पहले तूने बात करके देख लिया उसने कौन सा तीर मार लिया? उसका भाई जो हर वक्त अपने कान के साथ फोन चिपका के अपनी एक्स वाइफ के साथ लगा रहता है। अच्छा मेरी बात सुन, टेक इट इजी, काम डाउन। मुझे एक बात बता, अगर रोमा हर वक्त किसी के साथ फोन पे लगी रहे, विल यू टेक इट इजी? ऑब्वियसली नहीं यार। तो फिर ये अपने सबक अपने पास रख, कहना आसान है। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे दो दिन का टाइम, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। ये अपना दूध और अपना पानी अपने पास रख, मुझे जरूरत नहीं है। मोहित, अच्छा सुनना यार मोहित।
हेलो, क्या तुम मुझसे अभी ऑफिस में ले आ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा चलो मैं आती हूँ। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लंबी लंबी फोन पे बातें करना खत्म करो, और अगर दानियाल सीरियस है तो उसे को अपने पेरेंट्स को भेजिए। जी जी मम्मी। ठीक है, आयान कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं, जरा पता तो करो फोन करके कहाँ रह गया वो। जी मैं पता करती हूँ। यार कुछ तो हो इससे काम लो, ऐसे मामलात में एकदम इस तरह से बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करते। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी बेटी अब उस घटिया आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मोहित ऐसा लड़का नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है जो अपना घर नहीं बसा सकी? मुस्तफा मेरा मतलब ये नहीं है यार, मियां बीवी के दरमियान ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। मुझे शुजा या मोहित से बात तो कर लेने दो। तो इसका मतलब है कि तुम हरीम की तरफ से खुला का केस दायर नहीं करोगे? तुमने हरीम से पूछा है? आप पूछा है मैंने, वो मोहित के साथ अब नहीं रहना चाहती, वो उसे मेंटल टॉर्चर करता है। यार वो तो बच्ची है, तुम उसे समझाओ कि थोड़ा मोहित को भी टाइम दे दे। वो मैं दूसरों के कसूर की सजा हमेशा अपनी बेटी को देता रहा हूं, बट नॉट एनी मोर। अब और मैं उसको मजीद ये सजा नहीं दे सकता। अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो? ये मोहित शुजा के घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे पूछकर ये किसी के नाम भी ट्रांसफर कर दो, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम हरीम की तरफ से खुला का केस दायर कर दो बस। चलो ठीक है, ये बताओ अपनी बेटी को खुला दिलवा के क्या करोगे? ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला है। यार मुस्तफा हरीम भी मेरे लिए बेटियों की तरह ही है, तुम कैसे अपनी लाइफ से एकदम किसी को माइनस कर देते हो यार? सारी जिंदगी जल्दबाजी में ही फैसला करते हो। तुम जो मर्जी कहो, लेकिन अब हरीम मोहित के साथ नहीं रहेगी और मैं उसके इस फैसले में उसके साथ हूं। अच्छा ठीक है, मैं कल ही खुला का केस दायर कर देता हूं। ठीक है, अब ये बताओ चाय लोगे या कॉफी? चाय पिला दो। तुम क्या कह रहे हो दानिया? मैंने बहुत सोचा है रोमा, और यकीन करो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम दोनों को इस मोड़ पर एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। इसी में हम दोनों की बेहतरी है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो दानिया? इसकी वजह तुम्हारा भाई अयान है। उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? तुम मुझसे खुल के क्यों बात नहीं करते दानिया? उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मोहित की जिंदगी को अजाब बना दिया। तुम्हें अच्छी तरह बताया कि मोहित की मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसे शख्स की फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को इतनी तकलीफ में रखा। पर इसमें मेरा क्या कसूर है? हरीम और मोहित का क्या कसूर था? क्यों तुम्हारे भाई ने उनकी जिंदगी जहन्नम बना दी? दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखने के रवादार नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे भाई को। तुमने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? हाँ, क्योंकि मैं मोहित को अपनी तरफ से बदगुमान नहीं करना चाहता। वो समझता कि मैं तुम्हें फेवर देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इट्स ओके दानिया। रोमा, मुझे माफ कर दे। Thank you.
करना, मुझसे बगैर पूछे तुम बातें कर रहे हो तो बताए पहले, बिगल बजाए भाई, बोल दिया तो बोल दिया, पूरा करेंगे। आओ भैया उस तरफ चलते। अयान ये क्या बदतमीजी है, वापस से लगाओ वो चैनल, मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है भाई। मामा क्या हो गया, ये तो आप रिपीट टेलीकास्ट में भी देख सकती हैं, मैच तो लाइव आ रहा है, प्लीज देख लो देना। क्रिकेट तो तुम छोड़ चुके हो लेकिन तुम्हारे अंदर का क्रिकेटर नहीं मरा अभी तक। हाँ तो क्रिकेट छोड़िए, दुनिया थोड़ी छोड़ी मैं। गुफों वाली बात कर रहे हो यान तुम, वो कहाँ है नजर नहीं आ रही, रोमा कहाँ? नाराज क्यों, परेशान करते उसको तो? अब किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर वो हर वक्त मुझसे खफा रहती है तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैं क्या कर सकता? अरे 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 मेरी जान, इतनी लंबी उम्र है हाँ, अभी इसी का जिक्र कर रहे थे ना हम लोग। मामा आप दुआ करें कि आपकी बेटी मरी जाए इस जिल्लत भरी जिंदगी से, जहाँ पे किसी और के किए की सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। रोमा रोमा दानियाल ने कुछ कहा है तुम्हें? कौन दानियाल? ये मोहित का दोस्त दानियाल, वो? हाँ वही, रोमा बता रही थी काफी इंटरेस्टेड है उसमें और अपनी फैमिली को भी भेजना चाह रही। चलिए आप फिक्र न करें, मैं से बात करता हूँ। रोमा रोमा दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो। चले जाओ यहां से, मैं नफरत करती हूं, मैं नफरत करती हूं आपसे। ये क्या कह रही हो तुम, कम से कम बात तो करो मुझसे, दरवाजा तो खोलो। किसी से बात नहीं करनी मुझे। देखिए आप तो बात करो। रोमा रोमा मेरी जान, दरवाजा खोलो, आप लोग यहां से चले जाएं वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत की तुमने, ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? आप लोग मुझे अकेला छोड़ दे, चले जाए यहां से। आयान ये बेवकूफ लड़की खुद को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, परेशान है अभी खुद ही ठीक हो जाएगी। रोमा दरवाजा खोलो। लेकिन इसको हुआ क्या है भाई? झगड़ा हो गया होगा, परेशान है, अभी थोड़ी देर अकेले बैठेगी खुद ही सेट हो जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता यान, मेरे से तो अभी खुशी खुशी मिलके गई थी। हाँ तो फिर आपको किसने कहा था कि इसे भेजो उस फजूल लड़के से मिलने के लिए? लेकिन यान कुछ नहीं होगा मामा, कम से कम आप तो रिलैक्स हो जाएं प्लीज। रिलैक्स हो जाओ, मेरी इकलौती बेटी डिप्रेशन में है और तुम कह रहे हो मैं सुकून से बैठूं? हाँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ मैं ठीक कर लूंगी उसको। दरवाजा खोलो भाई, तुम्हारी माँ परेशान खड़ी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? रोमा बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। घर वालों की जिंदगी अजाब में डाल के रखी इस लड़की ने। रोमा मुस्तफा साहब ये कुछ ठीक नहीं कर रहे, ऐसे फैसले कभी जज्बाती होकर भी किए जाते हैं। शुजा मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन खैर तो मोहित को जरा बुलवाओ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। आ रहा है, आप चाय तो पीजिए। सलाम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। बैठो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी अंकल कहिए। देखो बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे और हरीम के दरमियान इख्तलाफात की नौयत क्या है, लेकिन बेटा मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि बात यहाँ तक आ पहुँची है कि मुझे यहाँ आना पड़ा है। क्या मतलब अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। शुजा ये घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, हरीम ने भिजवाए, वो घर में रहना नहीं चाहती। मोहित बेटा तुम हरीम को खुद डिवोर्स दोगे या वो खुला के लिए कोर्ट में जाए?
तेरे ना। अरे प्लीज बात तो सुनो प्लीज। हरीम और मोहित के बीच बढ़ती हुई दूरियाँ। कहने और सुनने को बचा है क्या? क्या किसी तरह हरीम को एक बार फिर किस्मत उसी मोड़ पर ला खड़ा करेगी, या अयान हो पाएगा कामयाब एक बार फिर हरीम को अपनाने में? क्या आपको भी लगता है कि हरीम आपसे मोहब्बत करती? मेरी कोई चीज मुझे ना भी पसंद हो तब भी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और के पास हो। जब वो मुझे छोड़कर अयान की तरफ मुतवज्जो होती है मेरा खून खौल उठता है। मुझे नहीं रहना उसके साथ। इन बढ़ती घटती अजनबियत के सफर में कौन होगा हरीम का हम सफर? Thank you.